स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मूड ऑफ हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा का मूड बताने के लिए राई विधानसभा क्षेत्र में। ये वो क्षेत्र है जहां 2014 यानी जो पिछला चुनाव था बेहद दिलचस्प था, क्योंकि महज 3 वोटों से यहां से विधायक कांग्रेस से थे जय तीरथ जी, जिन्होंने राई को जीता था, महज 3 वोट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना दिलचस्प रहा होगा। हालांकि उतनी ही कांटे की टक्कर इस बार भी देखने को मिल रही है। कैंडिडेट्स के नामों का जब ऐलान हुआ तो यहाँ की जनता कंफ्यूज हो गई कि आखिर अब वो वोट किसे दे। इस बार देखा जाए तो कांग्रेस एक बार फिर से जय तीरथ दहिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि भाजपा से कृष्णा गहलावत को वोट ना देकर इस बार मोहनलाल कौशिक को, जो कि एक पहलवान हैं, उनको चुनावी मैदान के इस अखाड़े में उतारा गया है। जेजेपी की बात करते हैं, अजीत अंदिल हैं और इंद्रजीत दहिया इनेलो से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो देखना होगा इस बार राई जीतता कौन है, राई में जीत किसकी होती है, कौन जनता के इस मूड को, जनता को, जनता के दिल को जीत पाता है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं राई विधानसभा क्षेत्र। राई के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसा लगता भी है क्योंकि शुरुआत से यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की राजनीति को, यहाँ के विकास को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका इस बार मूड क्या है, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव बहुत दूर नहीं है, ऐसे में मूड सेट हो चुका होगा। तो आइए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, बींग यूथ, क्या लगता है हरियाणा का कितना आपने डेवलपमेंट देखा, कितना विकास देखा? मैंने 3 सरकारें देखी हैं जी, चौटाला साहब वाली, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, 5 साल बीजेपी वाली सरकार देखी है। कब सबसे ज़्यादा विकास हुआ हमारे गांव का? तो अपना जो हमारा अपना एरिया है, इसमें तो चौटाला साहब के कराए हुए काम हुए हैं पर्सनली, हमारे गांव के जो काम हुए हैं वो चौटाला साहब के राज में हुए हैं। अच्छा, ये अपना रास्ता है हमारा राडदना रास्ता गया है राई से राडदना, इसको पक्का कराने का काम चौटाला साहब ने कराया था। हमारे ये जोड़ हैगा जो गांव का, उसकी बाउंड्री का जो पक्का कराने का काम था वो चौटाला साहब ने कराया था। स्कूल का काम था वो चौटाला साहब के राज में हुआ था। तो यहाँ तो राई गांव में तो काम चौटाला साहब के राज में हुए थे। अच्छा, इसीलिए पिछली बार अच्छी टक्कर दी थी इंद्रजीत, अच्छी टक्कर दी थी जी, अब की बार भी देगा। पिछली बार टक्कर नहीं, जीते हुए थे। हाँ। ये तो कुछ भी कह लो, हुड्डा साहब की जबरदस्ती की वजह से या कुछ भी, उनको हरा दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले अपना जो उस पर केस चल रहा था उस पर डिसीजन हुआ है, कोर्ट ने 4 वोटों से इंद्रजीत को जीता हुआ दिखाया है। कार्यकाल ही खत्म हो गया अब तो, कार्यकाल खत्म हो तो जी, क्या लग, इस बार क्या चांसेस लग रहे हैं? चले पिछली बार तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल जनता पिछली बार भी साथ थी इंद्रजीत दहिया के जी, अब की बार भी साथ है और यहाँ से इंद्रजीत दहिया को विधायक बनाएगी चौटाला साहब। लगता है कि इनेलो के टाइम पर ज्यादा काम हुआ, लेकिन लगता नहीं है जो इनेलो में जो जिस तरह से पार्टी में दो फाड़ हुई है उसका असर? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नेता लोग थे जो भाग के गए हैं और इनेलो तो कभी से ही नेताओं को तैयार करती आई है। अब आप टिकट का वितरण देख लो, आप बताइए सहमत हैं? यस सर। बाकी लगता है कि चौटाला सरकार में ही राय का विकास हुआ? विकास ऐसा नहीं सब में हुआ है विकास, वो बात नहीं है, एक ही पार्टी ने कराया, पर मतलब जितना होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है जी। बस अच्छा। पानी का वो अभी जोड़ दिखा दूँ, वो उधर मंदिर की तरफ लग रहे हैं जी, गड़ी कुछ नहीं हुई जी, लाइट का पानी का सब मतलब व्यवस्था न्यू की न्यू रखी है जी, कोई सी भी सरकार आ लीजिए, बस क्या इलेक्शन के दौरान थोड़ा घना करा देते हैं फिर वही हो जाते हैं। किंग यूथ, क्या लगता है आप क्या सोचते हो, विकास हुआ है पिछले 10 या 15 सालों में? बिल्कुल विकास नहीं हुआ जी। विकास की असली परिभाषा क्या होती है? जो हमारा निचला तबका है उसके बारे में सोचे, हम यूथ हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सोचे, हमारे यहाँ पर किसान हैं उनके बारे में सोचे। इस सरकार घोषणाएं तो सबके लिए की है, भाजपा सरकार ने भी की है, ये घोषणा बात और जुमलेबाजी सरकार है, किया कुछ नहीं है। धरातल पर अगर आप देखोगे तो नीलबटे सन्नाटा है, जीरो है। आप किसानों की बात कर लो, क्या मुआवजा दे रहे हैं, किसी का 12 रुपए, किसी का 15 रुपए, ये चेका रहे हैं। इसके दिल्ली फिर भी भाजपा की लहर है यहाँ, फिर भी भाजपा की लहर क्यों है आपके? कहाँ है लहर मैडम, कहाँ है लहर? आपके साथी कह रहे हैं कि भाजपा? नहीं 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 मैडम, साथी नहीं है। देखो हम ये चुनावी समर है, सबका अपना अपना अधिकार है, किसी को भी चुनो, लेकिन हम अपने जितने युवा ना उनसे सबसे यही अपील करते हैं, उसको चुनो जो हमारे क्षेत्र की आवाज उठा सके, हमारे युवाओं की आवाज उठा सके, हमारे यहाँ पर राय। आप किसे वोट देने जा रहे हैं? हम मैडम नोटा पे दबा सकते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो जय तीरथ जी को दे दीजिए, फिर दे दो चांस। जय तीरथ को भी वोट नहीं दी थी, काम तो किसी ने किया ही नहीं, काम करने की सब बारी आती है तो दोषारोपण कर देते हैं, हमारा विधायक नहीं है। नोटा दबाकर तो वोट वेस्ट करना हो गया ना। बिल्कुल वेस्ट कर सकते हैं मैडम, इनको नहीं देंगे। अगर
फिर किसे देंगे नाराजगी? हमारे यहाँ पर दो यहाँ पर चार ऑप्शन है के पास, तो चार हमारे यहाँ पर दो इंडस्ट्री एरिया है, बड़े बड़े बड़ी इंडस्ट्री, अपना कुंडली इंडस्ट्री एरिया और राय इंडस्ट्री एरिया। हमारे लोकल जितने भी आदमी किसी को भी नौकरी बनी रखते हैं। यहाँ पर हरियाणा में मिनिमम वेज 8800 सरकार में भी ऐसी था। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। ये ऐसा भेदभाव क्यों है? बाहर से जो प्रवासी आदमी आए हैं उनको आते ही नौकरी मिल जाती है, हमारे जितने युवा है सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों भाई? चलिए युवा से ही पूछते हैं, सहमत है अपने हिसाब से? बेरोजगार है जी, युवा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारी जमीन गई हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में, उस हिसाब से हमें मिलना था रोजगार। लेकिन सरकार की तो एक पॉलिसी बन रही है जी, अगर रोजगार तो देना नहीं युवाओं के, उनके अपने पीछे रखना है। अगर ये आवाज़ लगाओगे आवाज बनेगी तुम्हारी, ये है जी सरकार का। तो है क्या सरकार का, इस सरकार ने दिया क्या है किसी भी युवाओं को? कहीं कह रहे हैं भर्तियाँ में पारदर्शिता, कौन सी? क्यों भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है फिर? तो भाजपा रेस में होनी नहीं चाहिए। बीजेपी का तो कोई आधार ही नहीं है जी, सच्चाई पूछे इस गांव की बताता हूँ मैं आपको। अभी 3-4 साल पहले हमारे, 5 साल पहले तो इस गांव के रहने वाले कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में टक्कर है, भाजपा को ही वोट जाएगा भाजपा की। तो जी पर्सनली सब अटैचमेंट होती किसी ना किसी के साथ में। आपकी अटैचमेंट किससे है? मेरी अटैचमेंट किसी के साथ नहीं, मैं हम तो हरियाणा प्रदेश के साथ है जी। जो अब की बार प्रदेश में एक प्रदेश में किसके साथ अटैच हो गए, यहाँ विधायक किससे लाओगे? तो चौटाला साहब के साथ है जी। अच्छा। एक तरफा किसी की सरकार बननी नहीं है, बहुमत किसी का आना नहीं है। अच्छा। चलिए तो इनेलो सरकार के साथ है। आप बताइए ताऊ जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार ऐसा लग रहा है जी, हर बार जो भी मुख्यमंत्री आवे अपने नए कानून बना दे, बेरोजगार लोगों को है ना है रोजगार नहीं मिलता, हर बार नई नई रिजर्वेशन ला देते हैं। है जो कैंडिडेट पढ़ने वाला है वो बेचारा नौकरी नहीं लग पाता, और जो सा बेरोजगार बिल्कुल वो है ना फूट है वो रोजगार लग जाए जी। तो हुड्डा सरकार बढ़िया थी? सरकार तो सारी एक जैसी है, कोई आ जाए, बस ये है कि बटन कहाँ दबाएंगे, नोटा पे दबाएंगे जी। आप बताइए ऐसे मैम, हमारे को ये लगता है कि सरकार बुनियादी मुद्दों से पीछे हट गई है, गरीब का, दलित का, मजदूर का, किसान का, आय का कोई साधन नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी लोगों ने उम्मीद करी थी। और रही बात कि किसको चुनने की बात है, तो हम तो मैम मुद्दों पे सरकार चुनेंगे, जो सरकार जनता के लिए काम करना चाहेगी। 5 साल कैसे रहे पिछले 5 साल? पिछले 5 साल मैडम आंकड़े खुद बोलते हैं, हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर। क्या डिसाइड किया? डिसाइड मैम ये है कि जब अगर सरकार कोई भी बुनियादी काम नहीं कर रही, गरीब का, मजदूर का, किसान का, दलित का, कहीं से कोई भला नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी है नहीं, सरकार ने गांव में हमारे गांव में भी लोकल टैक्स लगा दिए, म्यूनसिपल टैक्स लगा दिए, और साधन कुछ है नहीं, बिजली पे भी टैक्स बढ़ा दिए, म्यूनसिपल टैक्स लगा दिए बिजली के बिलों पे भी, किसानों को खेतों में कोई कनेक्शन नहीं दे रहा, किसान कहाँ से खेती पैदा करे बताओ मैम? इसमें फिर इस बार वोट किसे देंगे? पूछने से मैम कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन हमारा तो ये है कि हम वोट देने निकलेंगे ना घर से, कहीं ना कहीं तो बटन दबाएंगे ना। जरूर जरूर, ये मैम हमारा देखो सीक्रेट मैटर है, हमने अपने मुद्दे अपनी बातें रख दी। कैंडिडेट के नाम, विधायक उम्मीदवार के नाम पर वोट नहीं देंगे, मोदी के नाम पर वोट जाएंगे? नहीं नहीं, विधायक के भी नाम पर है, विधायक जब दिखने लग रहा है हमने तो उसकी देनी है वोट तो। बढ़िया है मोहनलाल? हाँ बढ़िया है, बढ़िया जी। जय तीरथ से बढ़िया है? हाँ जी, हमने तो बढ़िया लगेगा तो जब ही हम कह रहे हैं। वो अपने अपने आपने उम्मीदवार का नाम नहीं लिया ना, आपने सीधा मोदी जी का नाम लिया? हाँ मोदी जी का तो नाम ऐसे लिया कि ऊपर तो मोदी है और उसकी हवा है, ज्यादा ज्यादा हवा है उसकी जी। और ये इनका मोहनलाल का मेरे नाम लेते लेते भूल जाता हूँ मैं, न्यू नहीं लिया गया नाम। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ की हवा क्या कह रही है, और इस बार जो है टक्कर वो भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखती हुई नजर आ रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपने भी देखा भीड़ भाड़ हुई, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर राजनीति, चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है? ऐसा जी, हमारे गांव में कोई भी सरकार आई है हमारा कोई बच्चा नहीं लगे, MLA साहब तो यहाँ आए नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से जिताते थे कांग्रेस के, दो बार जिता दिया बल्कि दो बार, और एक बार भी कोई हमारे गांव का लड़का नहीं लगाया, कोई काम विकास का नहीं करा उन्होंने हमारे गाँव में। ये मोहनलाल जी आए है, नए वे है कैंडिडेट विधायक, इनको देखेंगे जी एक बार। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अब मौका देंगे भाजपा को, क्योंकि कांग्रेस के वक्त यानी जब कांग्रेस के विधायक थे तब कुछ खास काम हुआ नहीं है।
चलिए अब माता जी के पास चलते हैं। माता जी वोट देने आप भी जाएंगी? वोट देने जाएंगी? वोट देने? वोट वोट हाँ जाएंगी। किसे देकर आएंगी? वोट किसे देंगी? बैठा बुढ़ा कर कोई बात हाँ वोट मोदी तो देंगे हाँ और क्या। अच्छा हाँ जय तीरथ को नहीं देंगे? तीरथ को भी देंगे, उसने जरूर देंगे। अच्छा हाँ चार वोट है, चार वोट नहीं, नहीं। वोट तो बटन तो एक ही जगह दबाओगी ना माँ? है दबाओगा मन नहीं दिखा, दूसरा आदमी दबाओगा। अच्छा हाँ तो किसको जाएगा पहला वोट? कांग्रेस पहला पहला वोट किसे जाएगा? है पहला वोट किसे जाएगा? तीरथ ने देंगे। काम किया है उन्होंने बहुत, काम कराया, पानी बिजली सब सही हुआ? यो के कर रखे मत, यो ये लंटरा के भी टैक्स लगा दिया, बिजली के भी टैक्स लगा दिया, सब क्या है टैक्स हो गए, और गरीब आदमी कुछ नहीं, उनके खाने खुने भी सब बंद कर दिए। बता क्या करे? देखिए कि चाहे महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं या नहीं, लेकिन तकलीफ जो है हर कोई हर किसी की समझता है, और यहाँ पर यही तकलीफ बता रही है हमारे साथ जो माता जी थी। हालांकि मोदी जी की फैन जरूर है, लेकिन यहाँ हरियाणा में जिस तरह से नई नई घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर परेशान भी जरूर हुई हैं। आइए और लोगों से यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ इन भैया से पूछते हैं, बहुत ऐसे वीडियो बनाने में व्यस्त है ये, अब बताइए आप क्या सबकी राय जान ली, पूरा राय ही जान लिया आपने तो, क्या चाहता है अब आप क्या चाहते हैं? मैम हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे से विकास हो, तो हम एक ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं कि जो अच्छे से बिना किसी फोर्स के बिना किसी दबाव के अच्छे से विकास करे हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जैसे अभी हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स का वो आया था गांव से कभी करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो हम चाहते हैं क्यों नहीं हमारे गाँव में क्यों ना हो वो काम, तो इसलिए हम अब की बार जैसे नए कैंडिडेट आए हैं मोहनलाल बडोली जी हैं, तो लोगों का काफ़ी रुझान है उनकी तरफ, जैसे मोदी फैक्टर मान लो या फिर ये खट्टर फैक्टर मान लो, आप जो भी बात है। ये भी तो हो सकता है कि भाई कांग्रेस को दो बार मौका दिया, इतना काम हुआ नहीं। हाँ मैम वो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है, लेकिन इतना नहीं हो पाया कि जिससे कि यूथ अच्छे से वो मतलब ग्रोनअप हो सके, तो ग्रो हो सके, तो इतना काम नहीं हुआ, तो इसलिए नया कैंडिडेट आया तो उसको ऑप्शन लेके चलेंगे। बीजेपी नेलो कहीं दिख रही है टक्कर में, कहीं रेस में है? मैम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि रेस में नहीं है, रेस में तो सभी भागते हैं, लेकिन जीत तो एक ही को मिलेगी ना मैम, अगर जैसे पिछली बार तो इनेलो ने अच्छी टक्कर दी थी इंद्रजीत दहिया ने, इस बार भी मैदान में है, लग रहा है कुछ खींच पाएंगे वोट? हाँ जी लगता तो है कि खींच लेंगे। अच्छा होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा से विपक्ष के ही बंदे आए हैं, विपक्ष के ही कैंडिडेट रहे हैं। इस बार लग रहा है इतिहास बदलेगा? हाँ जी अब की बार इतिहास बदलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मोदी जी की हवा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए तो ये है यहाँ राय विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो हालांकि सबके अपने मिक्स्ड व्यूज थे, और जो मेजॉरिटी जो निकल के आई है वो यही है कि यहाँ पर उतना विकास काम पिछले 10 से 15 सालों में हुआ नहीं है, और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए अब ये एक बदलाव लाना चाहते हैं ये कहें, या इतिहास को बदलना चाहते हैं, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले लोग बता रहे थे कि यहाँ पर हमेशा विपक्ष का ही कैंडिडेट आया है, तो इस बार ज़रूर कहीं ना कहीं इतिहास बदल सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि देश में मोदी की लहर है, राज्य में खट्टर की लहर है, तो कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है इतिहास बदल जाए। तो फिलहाल आज राय विधानसभा क्षेत्र में इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, देखेंगे मूड ऑफ हरियाणा क्या चाहती है यहाँ की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में। नमस्कार।